नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए देखते हैं खेल की दुनिया। UEFA यूरो 2020 में इटली ने बेल्जियम को दी मात, बनाई सेमीफाइनल में जगह। शुक्रवार को खेले गए दो धमाकेदार मुकाबलों में एक तरफ जहां स्पेन ने स्विट्जरलैंड को हराया तो दूसरी तरफ इटली की टीम ने बेल्जियम के खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को हराकर यूरो कप 2020 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब इटली की टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में स्पेन से होगा। पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने लंगर की रोटियां खाकर तय किया ओलंपिक तक का सफर। प्रियंका गोस्वामी जब 14 साल की थी तब पापा की नौकरी अचानक चली गई थी। करीब 10 साल हो गए लेकिन अभी तक आर्थिक तंगी बहाली नहीं हुई। वह रोडवेज बस में कंडक्टर थे। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी बनना तो दूर, दो वक्त की रोटी की डगर भी कठिन दिखने लगी थी। मन में देश के लिए कुछ करने की ललक थी लेकिन आर्थिक संकट के चलते परिवार में बात करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद एक दिन स्कूल में कोच ने प्रियंका से पूछा कि खेल में रुचि है, उन्होंने झट से हाँ कह दिया। इसके बाद शुरू हुआ प्रियंका के ट्रैक में दौड़ने का सफर। प्रियंका ने कहा कि वर्ष 2009 में मेरा दाखिला मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में हो गया, यहीं से मेरा एथलीट बनने का सफरनामा शुरू हुआ जहां से मैंने टोक्यो ओलंपिक तक का सफर तय किया। घरेलू खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने की तैयारी, 35 को 60,000 करने का प्रस्ताव। BCCI पदाधिकारी के अनुसार अभी एक प्रस्ताव आया है जिस पर सहमति मिलने के पूरे आसार हैं। पदाधिकारी ने कहा कि पिछला घरेलू सत्र खराब हो गया, उसके लिए मुआवजा देने पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, उस पर समिति तय करेगी कि कैसे मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा हमने 2021-2022 सत्र के लिए भी योजना बनाई है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम में किन तीन गेंदबाजों का चयन पक्का है, आकाश चोपड़ा ने बताए नाम। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन इस साल UAE और ओमान में किया जाएगा जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। आकाश चोपड़ा ने उन तेज गेंदबाजों के नाम बताए जिनका चयन टीम में किया जा सकता है। आकाश चोपड़ा के मुताबिक भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर का चयन पक्का है। 711 इंटरनेशनल विकेट, दो वर्ल्ड कप और पहला टेस्ट हैट्रिक लेने वाले भारतीय धुरंधर का आज जन्मदिन। भारतीय टीम में टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का आज जन्मदिन है। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लेने का कमाल हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत में चमत्कारी गेंदबाजी, भज्जी की गेंदबाजी लाजवाब रही। 3 जुलाई को हरभजन सिंह अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। 2007 में T20 और 2011 में भारत की विश्व कप विजेता टीम का भज्जी अहम हिस्सा भी थे। खेलों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें टुडे 24 न्यूज़।